आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज कोची जाएंगे, मुंबई से कोची सीएम अशोक गहलोत जाएंगे। कोची में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे सीएम अशोक गहलोत। राहुल गांधी संग शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और 23 सितंबर को कोची से महाराष्ट्र के शिरडी जाएंगे। शिरडी में साईं बाबा के मंदिर में दर्शन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करने वाले हैं। शिरडी से अहमदनगर के संगमनेर सीएम अशोक गहलोत पहुंचेंगे, जहां सहकार भैरश्री भाऊ साहेब थोराज मेमोरियल पर श्रद्धांजलि देंगे। जयंती महोत्सव में हिस्सा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां लेंगे और उसके बाद 23 सितंबर यानी कल शाम 4:30 बजे शिरडी एयरपोर्ट से जयपुर के लिए वो फिर से निकलेंगे। तो ये दो दिन का अभी कार्यक्रम, जिसमें कल जब दिल्ली पहुंचे और उसके बाद सोनिया गांधी से उन्होंने मुलाकात की, उनकी एक लंबी बातचीत का दौर रहा। आज वहां से कोची पहुंचेंगे, राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक होगी, जिसमें भी वो राहुल गांधी के साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन खास बात यह कि राहुल गांधी से मुलाकात इस बार कुछ खास है और एक मकसद के साथ है। मकसद है राहुल गांधी को एक बार फिर से कन्विंस कर पाना, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अपना नामांकन राहुल गांधी भरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कई कार्यकर्ता, पार्टी से जुड़े हुए कई नेता ये चाहते हैं कि राहुल गांधी फिर से इस कमान को संभाले, और लिहाजा क्योंकि राहुल गांधी देखिए इस बार इस मानस में नजर नहीं आ रहे, तो उन्हें बार बार कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है। कल भी जब मीडिया से मुखातिब हुए तो कहा कि एक लास्ट कोशिश अपनी ओर से रिक्वेस्ट राहुल गांधी के सामने करेंगे कि अब जरूरत उनकी है पार्टी को। और देखिए कोशिश इस लिहाज से भी क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा 150 दिनों की यात्रा है, 15वां दिन उसका आज है। लगातार अब देश भर में होकर जब निकलेगी तो मजबूती कांग्रेस की बढ़े और एक मजबूत विपक्ष के तौर पर तो कांग्रेस अपने अस्तित्व को बचाने में सफल हो पाए ये कोशिश। साथ ही साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसके बाद कल शिरडी पहुंचेंगे, शिरडी में साईं बाबा के मंदिर में दर्शन करेंगे और फिर शिरडी से जयपुर लौटने का उनका शाम में कार्यक्रम। और चलिए भारत जोड़ो यात्रा की बात कर लेते हैं। 15वां दिन इसका आज है, क्या तस्वीरें हैं कोची में, दो दिन आज भारत जोड़ो यात्रा रुकी हुई है। पूरी जानकारी के साथ में हमारी कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित जी, कोची में दो दिन रुकी है भारत जोड़ो यात्रा और 15वें दिन के आगाज के साथ में आज शुरू हो चुकी है, किस तरह की तस्वीरें और कितनी खास आज ये भारत जोड़ो यात्रा? ये लोगों का हुजूम है, लोग राहुल से मिलना चाहते हैं, राहुल को देखना चाहते हैं। कन्याकुमारी से जो यात्रा शुरू होकर कोची आई है, आज 15 दिन हो गए हैं। राहुल गांधी सतत चल रहे हैं, उनके साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर चल रहे हैं। आज यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कांग्रेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसको राहुल गांधी खुद एड्रेस करने वाले हैं, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उम्मीद ये है कि अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वो भी शरीक होंगे। थोड़ी देर के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस यात्रा भाग लेने कोची पहुंच रहे हैं और उसके बाद राहुल गांधी से उनकी मुलाकात होगी, जिस मुलाकात में काफी कुछ तस्वीर जो है कांग्रेस पार्टी की वो नजर आएगी और उसमें ये तय हो जाएगा कि अगर वो अध्यक्ष बनते हैं तो राजस्थान का सिरमौर किसके सिर पर जाएगा। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो इस यात्रा के बाद, लगभग आधी यात्रा हो चुकी है और 10:30 बजे तक यात्रा चलेगी, और इस यात्रा के बाद एक बैठक है जिस बैठक में अशोक गहलोत भी शरीक होंगे और उनकी 101 यानी राहुल गांधी के साथ सिर्फ और सिर्फ अकेले मुलाकात है, और उस मुलाकात में ये चीज साफ हो जाएगी कि मुख्यमंत्री का पद कौन रखेगा और किसके साथ कांग्रेस अध्यक्ष का पद जाएगा। ये तमाम ऐसी बातें हैं जिस पर चर्चा होगी। कुल मिलाकर मैं आपको यात्रा की बात बताऊं, कोची में सड़क के दोनों तरफ लोगों का हुजूम है, लोग तिरंगा लेकर राहुल गांधी की का अभिवादन कर रहे हैं और राहुल गांधी भी उस अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। केरल कांग्रेस के कई बड़े नेता इनके साथ चल रहे हैं, केसी वेणुगोपाल, संगठन महासचिव, ये सारे लोग इनके साथ हैं, और कई लोग जो सतत इस यात्रा में इनके साथ चल रहे हैं वो भी इसमें शामिल हैं। बिल्कुल अभी जी, और देखिए तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं, लेकिन खास मकसद भी इस बार मुलाकात का है। जिस तरह से आपने जानकारी दी कि सीएम अशोक गहलोत जब पहुंचेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री और राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे, वो जो खास मुलाकात और जो पर्सनल मुलाकात है वो कितने बजे के लिए संभावित है अमित जी, कुछ जानकारी से जुड़ी हुई? देखिए सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी इस वक्त यात्रा में हैं, 10:30 बजे का वक्त है और 10:30 बजे तक ये यात्रा 10:15 बजे तक ये यात्रा चलती है, और उस यात्रा के बाद जब अशोक गहलोत कोची लैंड करेंगे वो उस यात्रा में शामिल होंगे, और उस यात्रा में शामिल होने के बाद
की मुलाकात राहुल गांधी से होगी। कल वो सोनिया गांधी से मिले थे और लगभग 2 घंटे तक की बातचीत हुई थी। उस बातचीत में का लबोलुआब ये रहा कि अशोक गहलोत जी संगठन में आना चाहते हैं। उनको सोनिया गांधी की तरफ से ये इंडिकेशन दिया गया है कि वो अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी करें और चाहे जो भी उम्मीदवार हों, लेकिन अशोक गहलोत एक तरीके से गांधी परिवार के अधिकृत उम्मीदवार के तौर पर ही होंगे और उस पर भी आज सहमति, उस पर भी आज मोहर लगेगी। हालांकि अशोक गहलोत ने यह कहा था कि वो राहुल गांधी से आखिरी बार ये गुजारिश करेंगे, ये अपील करेंगे कि वो अध्यक्ष बने, लेकिन जिस तरह का माहौल और जिस तरह से सीनियर लीडरों से हमारी बातचीत हो रही है, उस बातचीत के बाद ये साफ लग रहा है, ये साफ दिख रहा है कि राहुल अध्यक्ष नहीं बन रहे हैं। राहुल की जगह अशोक गहलोत ही इस कमान को संभालेंगे। हमारे ठीक पीछे राहुल गांधी चल रहे हैं और आज की बैठक में बहुत कुछ तय होगा। कल सचिन पायलट की मुलाकात हुई है राहुल गांधी से और उस मुलाकात के बाद भी बहुत कुछ तय हुआ है। हालांकि अभी राजनीति में ऊंट किस करवट बैठता है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अशोक गहलोत को हमेशा से राजनीति का जादूगर कहा जाता है और अशोक गहलोत इस मामले में बेहद संजीदा और उम्दा राजनीतिज्ञ भी माने जाते हैं। बिल्कुल अमित जी, देखिए अब ये राजनीतिक गलियारों में हलचल बहुत ज्यादा तेज हो गई है। अधिसूचना जारी होने का समय आ गया है, उसके बाद में चुनाव। लेकिन बात यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा की कर रहे हैं। 2 दिन कोची में ठहरी थी, इसके बाद भी अगला पड़ाव कहाँ से होगा यहाँ के लिए, अगर 16वें दिन की हम बात करें 15वें दिन की शुरुआत के बाद में। ये कोची से यात्रा त्रिचूर की तरफ बढ़ेगी और त्रिचूर में फिर इसका प्रवास होगा और धीरे धीरे ये यात्रा केरल के विभिन्न जगहों से होते हुए आगे बढ़ते जाएगी। तो कुल मिलाकर मैं आपको बताऊं कि तमिलनाडु कन्याकुमारी से शुरू होकर ये यात्रा दूसरे प्रदेश केरल में पहुंच गई है और इस प्रदेश में आने के बाद, चूंकि यहाँ मुख्य रूप से लेफ्ट और कांग्रेस ही दो राजनीतिक दल हैं, दोनों में आपसी प्रतिद्वंद्विता भी है और उस लिहाज से ये माना जा रहा है कि केरल में जो जिस तरह का लोगों से जुड़ाव कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है, लोग जिस तरह सड़कों पर आ रहे हैं, तो कांग्रेस को ऐसा लगता है कि उसका रिवाइवल हो सकता है और उसके जो लोग छूट गए थे, खासतौर से एक तरीके से लोगों की बातें कांग्रेस पार्टी तक नहीं पहुंच पा रही थी या जो कार्यकर्ता रूठे थे, वो सब सड़कों पर आकर राहुल से मिलते हैं। लोग स्थानीय नेताओं के जरिए वो अपनी बातें कहते हैं और कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि यात्रा में जो समर्थन कांग्रेस पार्टी चाह रही थी वो उसे मिलता दिख रहा है। बिल्कुल अमित जी, और ये कोशिश इसी मकसद के जरिए की गई थी जिसको लेकर के अब चहलकदमियां बहुत बढ़ गई है। दिल्ली टू राजस्थान और राजस्थान टू दिल्ली भी काफी ज्यादा दौरे बढ़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी तमाम जानकारी के लिए और साथ जुड़ने के लिए।